द अनवांटेड अनडेड एडवेंचरर, अ जापानीज लाइट नॉवल एडाप्टेशन जिसकी बातें बहुत ही कम हो रही। एज यू नो एनमे कम्युनिटी इज गोइंग आफ्टर द हाइप, इसलिए विंटर सीजन में ज्यादा एनमेज कवर नहीं हुए। मोस्टली सोलो लेवलिंग की बातें हुई एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ी बातें चेन सोल्जर की भी हुई। बात करें अनवांटेड अनडेड एडवेंचरर की, देन दिस इज अ एक्शन एडवेंचर फैंटेसी एनमे। ये एक फील गुड एनमे है जिसे आप भूल भी जाओगे, सो आई विल रिकमेंड इसे बिंज वॉच मत करना, बिकॉज एपिसोड 12 खत्म करने के बाद भी यू विल रीच नो कंक्लूजन। मांगा के हिसाब से चैप्टर 30 तक ही कवर हुआ है और अभी तक 61 चैप्टर्स आए हैं, मतलब सेकेंड सीजन भी चाहे तो आ सकता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं नेगेटिव्स को। सबसे पहले एनिमेशन, इट्स नॉट एट ऑल डिसेंट। सेकेंडली सम एपिसोड फील्स लाइक फिलर। थर्डली यू रीच नो वेयर बाय द एंड ऑफ दिस एनिमे। तो यही थे नेगेटिव्स, अब आते हैं पॉजिटिव्स पर। सबसे पहले म्यूजिक, एस्पेशली द एंड सॉन्ग, इट फील्स रियली गुड एट द एंड ऑफ एपिसोड 12। सेकेंडली द वर्ल्ड बिल्डिंग, काफ़ी सारे मिस्ट्रीज रखे गए हैं आगे के सीजन्स के लिए एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच फ्रॉम सीजन 1 ओनली। थर्डली दिस इज़ अ वेरी होलसम स्लो पेस्ड सीरीज। तो ये एक स्ट्रेस बस्टर का काम कर रही थी इन विंटर सीजन, हर फ्राइडे आता था एक एपिसोड, देखो और ख़त्म करो। फोर्थली और लास्ट पॉइंट है सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, दे वेर रियली सपोर्टिंग आवर मेन कैरेक्टर्स थ्रू आउट, वरना आपको तो पता ही है सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का फैन सर्विस के अलावा कोई भी रोल नहीं होता। वेल इस वीडियो में मैं इस एनमे के दुनिया के बारे में उतनी बातें नहीं करूँगा, बिकॉज वही इस एनमे की सबसे अच्छी बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रैगन की। वेल इस दुनिया में ड्रैगन्स हाईएस्ट लेवल मॉन्स्टर्स होते हैं और उनका अपीयरेंस बहुत ही रेयर होता है। इस दुनिया में एडवेंचरर्स का भी रैंकिंग सिस्टम होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम आयरन क्लास टू मिथ्रिल क्लास। तो इतनी ही बातें करते हैं इसके दुनिया के ऊपर और अब आते हैं प्लॉट पे। कहानी है रेंट फाइना की, जो कि एक ब्रोंज क्लास एडवेंचरर है फ्रॉम माल्ट टाउन। तो एक दिन वो जल्दी उठकर एक क्वेस्ट लेता है पूरा करने के लिए, बट उस दिन उसे डंजन में एक सीक्रेट पैसेज वे मिलता है। तो वो सोचता है कि भाई उसे वहाँ पर कुछ वैल्यूएबल वेपन्स वगैरह मिलेंगे, बट उसे वहाँ मिलता है एक ड्रैगन जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर से जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक स्केलेटन के रूप में पाता है। तो इसके आगे उसका सफ़र कैसा होगा, क्या वो फिर से इंसान बन पाएगा, क्या वो घर वापस लौट पाएगा, जानने के लिए देखिए द अनवांटेड अनडेड एडवेंचरर। पर जाने से पहले दो और रिकमेंडेशन, काइजू नंबर 8 और विंड ब्रेकर। आप इसे फ्री में भी देख सकते हैं इन न्यूज एशिया और इंडिया। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए पासेबल, जनरल ऑडियंस के लिए नोटवर्दी, प्रो ऑडियंस के लिए एडमिरेबल, रिव्यूअर्स के लिए गुड और मेरी तरफ से वन टाइम वॉच। तो अब आते हैं सरप्राइज पैकेट पर और आज हम बात करेंगे एक मांगा के ऊपर। उस मांगा का नाम है इनोसेंट। दिस इज अ सेनिन हिस्टोरिकल मांगा एंड यू शुड डेफिनेटली रीड इट बिकॉज इट्स अंडररेटेड। वैसे देखा जाए तो मैक्सिमम मांगाज और मानवाज आर अंडररेटेड बिकॉज एज यू नो ऑडियंस हाइप के पीछे भागती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लोग वैसे मांगाज रीड करते हैं जिनका एनमे अडेप्टेशन 2-3 महीने बाद आने वाला हो। तो इसी वजह से मांगाज आर वेरी अंडररेटेड इन इंडिया और जब बात भी होती है तो बिग 3, नाओकी उरासावा के मांगाज, गुड नाइट पुनपुन, होमंक्यूलस, इन्हीं सब की बातें होती है। उसी वजह से मांगाज थोड़े अनडिस्कवर्ड चले जाते हैं, एस्पेशली द गुड वंस, वरना जेजे के तो मैक्सिमम लोग फॉलो करते ही हैं। वेल इनोसेंट मांगा की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है दैट इज इट्स आर्ट स्टाइल, इट्स रियली ब्यूटिफुल। मेन फोकस इस मांगा का ग्रोथ दिखाने का है ऑफ आवर मेन कैरेक्टर चार्ल्स हेनरी सैनसन, बट बहुत सारे ऑफ स्क्रीन कैरेक्टर डेवलपमेंट भी उसके हमें देखने को मिलेंगे। और इस मांगा के नाम को सीरियसली बिल्कुल भी मत लेना बिकॉज मैक्सिमम जो ह्यूमन बीइंग्स इसमें दिखाए गए हैं, जो हायरार्की सिस्टम है, जो एग्जीक्यूशंस किए जाते हैं, कोई भी इनोसेंट नहीं है। जब मैं चैप्टर 3 से लेकर 5 तक रीड कर रहा था मैं समझ गया मुझे मूड बनाना पड़ेगा नॉट टू फील एनीथिंग, बिकॉज वहाँ पे गाइस एग्जीक्यूशन होता है
एक 12 साल की लड़की का जिसने एक हफ्ते पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था। तो इतनी ही बातें करते हैं इस मांगा के ऊपर। आई होप सो कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और इसका एक सीक्वल भी है जो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं वन पीस एग हेड आर्क की। लेटेस्ट एपिसोड 1100 वॉज फायर माई फ्रेंड्स, और ऑडियंस वेट भी उसी चीज़ के लिए कर रही थी कि भाई टाइम लेना है ले लो, बट मज़ा आना चाहिए जब हम वो एपिसोड देखेंगे। और ये साल तो ऐसे भी वन पीस का होने ही वाला है। आप रेटिंग्स भी चाहे तो चेक कर सकते हैं इन IMDb। इस साल जो वन पीस के एपिसोड्स आए हैं सबके रेटिंग्स 8 से ज़्यादा हैं। जो लोएस्ट रेटेड एपिसोड है अब तक वो है एपिसोड 1095, जिसे 8.1 की रेटिंग मिली है। सो लास्ट टाइम हमने 1091 तक बातें की थी। सो एपिसोड 1092 और 1093 में लॉ वर्सेस ब्लैक बियर्ड पायरेट्स होता है, जिसका कंक्लूजन तो अभी नहीं दिखाया गया है, बट ब्लैक बियर्ड पायरेट्स का जो पलड़ा है वो भारी है। एपिसोड 1094 से लेकर एपिसोड 1098 तक ओहारा, पैसिफिस्टा जिनवे वर्सेस स्ट्रॉ हैट्स, इन्फॉर्मेशन अबाउट आयरन जाइंट ड्रैगन, इन्हीं सब पर बातें होती है। बट एपिसोड 1099 से माहौल गर्मा जाता है बिकॉज देयर एंटर्स CP0, और वर्ल्ड गवर्नमेंट भी जल्द ही बड़ा फैसला लेने वाली है। सो लेट्स वेट फॉर द अपकमिंग एपिसोड्स बिकॉज दे विल बी हैविली डिपेंडेंट ऑन द एनिमेशन। चलो जाते जाते डिटेक्टिव कोनन की भी बातें कर लेते हैं। एपिसोड 4 द कोडेड मैप ऑफ द सिटी केस, एक ऐसा केस जिसे जूनियर डिटेक्टिव टीम सॉल्व कर देती है। होता ये है, एक इटालियन क्राइम लॉर्ड अरेस्ट हो जाता है पर उसने गोल्ड कॉइन्स कहीं पर छुपा कर रखे होते हैं, तो उसका हिंट एक पेज में लिखा हुआ था जिसे कोनन और उसके दोस्त सॉल्व कर देते हैं। पर उनके पीछे कुछ और लोग भी पड़े हुए हैं जिनसे उन्हें बचना है। तो यही होता है एपिसोड 4 में। और बात करें एपिसोड 5 की, देन मुझे ऐसा लग रहा था जब मैंने पहली बार ये एपिसोड देखा था कि अब शायद कोनन सिनिची में बदल सकता है बिकॉज मैन इन ब्लैक उसे दिख गए, बट ऐसा नहीं होता है एंड दिस बिकम्स अ ट्रेन बॉम्बिंग केस। दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज होता है इस एपिसोड में बिकॉज रान जो है वो बहुत बार इंटरफेयर करती है कोनन को, बिकॉज बच्चा ही तो है, बदमाशी कर रहा होगा। बट जैसे तैसे कोनन उस ट्रेन को बचा लेता है फ्रॉम बॉम्बिंग। तो यही दो एपिसोड्स के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था। अगर आपको सीजन वाइज डिटेक्टिव कोनन का रिव्यू चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं अपने सेकेंड चैनल पर कर दूंगा। तो यही समाप्त करते हैं सरप्राइज पैकेट को और मिलते हैं आपसे जल्द एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।